मेरा नाम संजीव कुमार सिंघल, अनअकैडमी इंदौर में मैथ्स की ट्रेनिंग देता हूं आईआईटी जेई एस्पिरेंट्स को। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्ट्रेटेजी, वो डिफरेंट पॉइंट्स जिससे हम आईआईटी जेई के मैथ्स के पेपर में, मैथ्स के सेक्शन में हम मिनिमम 99% स्कोर कैसे ला सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि पिछले दो या तीन साल से पेपर डफ है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके बाद भी हम आसानी से 99% मिनिमम स्कोर ला सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने दो साल ठीक से स्टडी करी हुई हो। तो हमारा एग्जामिनेशन टेम्परामेंट पे बहुत डिपेंड करता है कि हम 99% से ऊपर, मिनिमम 99% से ऊपर हम कैसे स्कोर ला सकते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि पिछले दो या तीन साल की स्ट्रेटेजी में 99% से ऊपर लाने के लिए मिनिमम हमें 12 क्वेश्चंस करने रहते, मिनिमम 12। अगर हम 12 या 12 से अधिक, जितना हम अधिक करेंगे वो 99% से ऊपर स्कोर उतना ही बढ़ता जाएगा। ये दो या तीन, पिछले दो या तीन साल का ट्रेंड है, और इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के सेशन में ये समझेंगे कि हम मिनिमम 99% कैसे ला सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर हम मिनिमम 12 क्वेश्चंस कर लें तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा 99% लाना। तो उसके लिए हमें मालूम है कि भाई जेई मेन का जो हमारा पैटर्न है, 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस रहते हैं और 10 क्वेश्चन न्यूमरिक टाइप रहते हैं, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं मैथ्स पहले करूँगा या फिजिक्स पहले करूँगा या केमिस्ट्री। वो आप स्ट्रेटेजी बिल्कुल बिल्डअप रखें कि मैं मैथ्स पहले करूँगा या फिजिक्स या केमिस्ट्री, या फिजिक्स पहले केमिस्ट्री या मैथ्स। जब आपका मैथ्स का सेक्शन आए तो उसमें 1 to 20 क्वेश्चन जो भी हैं उसमें आपको इस तरीके से वर्किंग करनी है कि सच दैट आप मिनिमम 7 क्वेश्चन कर लें। मतलब 1 to 20 में मिनिमम की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप मिनिमम आपको 7 ही कर दें। मिनिमम का मतलब है कि 7 आपको मिनिमम करने ही हैं। अगर आप 7 करने का टारगेट लेके चलते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 1 to 20 क्वेश्चन हैं तो उसमें कौन से क्वेश्चन ईजी हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन देखा और हमें लगता है कि यह काफ़ी ईजी है तो उसको उसी समय हम अटेम्प्ट करें। फिर अटेम्प्ट करने के बाद हम आगे बढ़ें और आगे हमें लगता है कि सेकेंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन डफ है या डिफ़िकल्ट है तो उसको हम ड्रॉप करें। ये हम लोग क्या कहेंगे इसको, फर्स्ट राउंड में आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उसको बोलेंगे। इस तरीके से आप 1 to 20 आप क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली अगर आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है दो साल, तो आपको 100% 20 में से 7 क्वेश्चंस, मतलब आपको 7 क्वेश्चन, मतलब 33% अगर आप देखें तो आपको करना है, मिनिमम करना है। हम ये बात कर रहे हैं मिनिमम की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको 7 क्वेश्चन ढूंढ रहे हो करने। तो आप ऐसे 1 question 2 question 3 question 4 5 6, मतलब जो सबसे इजी लग रहे हैं 1 to 20 में, फर्स्ट राउंड में आप 6, 7 या 8 जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस 100% हो, वो मैं सही कर सकता हूं क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने काफी एफर्ट करके प्रैक्टिस करा हुआ है। अब आपने फर्स्ट राउंड में जितना भी क्वेश्चंस किया है, मान लीजिए 6 क्वेश्चन आ गए या 7 क्वेश्चन आ गए और आपने बिल्कुल अटेम्प्ट करके 100% अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, उसके बाद बात आती है न्यूमेरिक टाइप में। यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लर्नर्स क्या गलती करते हैं, उनको 5 क्वेश्चंस करने, उनमें क्या रहता है कि जैसे ही पहला क्वेश्चन देखा 21st, उनको लगा ये मुझे आता है मैं कर लेता हूं, भले ही वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो ये स्ट्रेटेजी ना अडॉप्ट करते हुए हम क्या करेंगे, 21 से जो 30 क्वेश्चन है उसमें सभी क्वेश्चंस को हम पहले देख लेंगे और हम उसमें से वो क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जो सबसे इजी है और कैलकुलेशन भी सबसे इजी है और बहुत जल्दी उसका आंसर लाया जा सकता है, ये हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हम उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे और लर्नर्स क्या करता है भाई, शुरू के 7-8 क्वेश्चन देखे और उसको उसी में मिल गए और हो सकता है उसमें से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो और 9th और 10th क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो, उसने वो देखा ही नहीं क्योंकि उसको 5 क्वेश्चन करने थे, उसने सोचा पहला 21st क्वेश्चन मिल गया, 23rd 24th 26th। तो ये स्ट्रेटेजी ना अडॉप्ट करते हुए हम 21 से 30 क्वेश्चन में जो सबसे इजी लगे, भाई हमारे पास 50% चॉइस है तो डेफिनेटली हम 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं और उसमें ये टारगेट रखें कि वो सबसे इजी हो, कैलकुलेशन भी सबसे कम से कम हो और वो चैप्टर हो जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया हो और जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो 100% हम वो 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, फर्स्ट राउंड में ही हमारा टारगेट रहना चाहिए। और वो 5 क्वेश्चन करने के बाद मतलब आपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लिए हैं ये हम मान के चल रहे हैं और 6-7 क्वेश्चन आपने फर्स्ट राउंड में कर लिए हैं, तो अगर अब आपके पास सेकेंड राउंड में आप आते हो और आना भी चाहिए, मान लीजिए सेकेंड राउंड में आप आते हो जो कि अब मॉडरेट क्वेश्चन रह गए हैं या टफ क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसको भी अब आप 1 to 20 क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए और उनमें से जो क्वेश्चन नहीं हुए
तो ट्राई करिए। अभी आप 6-7 क्वेश्चन वहां कर चुके, 5 क्वेश्चन ये कर चुके और बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं बिल्कुल सही है, तो 11-12 आप क्वेश्चन कर चुके हो, 99 परसेंटाइल आप फर्स्ट राउंड में ला ही चुके हो, तो सेकंड राउंड में आप हर क्वेश्चन के साथ आपका परसेंटाइल डेफिनेटली बढ़ता हुआ ही जाएगा। तो ये अगर आप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, 5 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट अगर आपने करे मैथ्स में और 6-7-7-8 मिनिमम आपने करा, तो 99 परसेंटाइल जो कि पिछले दो या तीन साल से जो पेपर हो रहे हैं उसका ट्रेंड यही बताता है कि 99 परसेंटाइल मैथ्स में हम 12-13 क्वेश्चन करके ला सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं क्योंकि जो ट्रेंड है काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं इन कंपेरिजन टू मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद ही हम 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। और ऐसा ही स्टूडेंट को लगता है कि हम मैथ्स में भी हमें उतने ही क्वेश्चन करने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको अब समझ में आ चुका है कि हम मैथ्स में भी 99 परसेंटाइल इस तरीके से ला सकते हैं कि 12-13 क्वेश्चन अगर हम आप सही कर लेते हो तो 100% आने के बिल्कुल चांस रहेंगे। अगर वैसा ही ट्रेंड पिछले 2-3 साल जैसा पेपर का रहा है और वही पेपर का ट्रेंड वैसा रहा तो 100% आएगा। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने 100% आपने लगा लिए होंगे क्योंकि उनका जो फ्लेवर है, जो जेई मेन का 2022-23 का जो फ्लेवर है उसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास मिलेंगे ही, 100% उसी तरह के क्वेश्चंस का फ्लेवर रहता ही है और आपने वो ट्राई कर लिया है, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके आप 99 परसेंटाइल स्कोर आप डेफिनेटली लाएंगे। थैंक यू। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।